तो ये वीडियो जो है बहुत ही एडवेंचरल वीडियो होने वाला है, आप लोग देखते रहिए। मेन जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल पहुंचने के बाद मेन जो नज़ारा है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो लगभग अभी आधा घंटा चल के आए और 15 मिनट आधा घंटा और चलना पड़ेगा तभी हमें जाके मिलेगा मेन जो जगह है, मेन डेस्टिनेशन सशा वाटरफॉल। देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीचों बीच से होके हम लोग जा रहे हैं अभी सशा वाटरफॉल। तो मजा लगी से फुल एडवेंचर। ये थोड़ा भी सोचा नहीं था कि ऐसा एक प्लेस होगा इधर और हम लोग जाएंगे। देखिए वाह ये टिटी वाला की बना टिटी दी मारू उपाय नहीं। ओ माय गॉड। तो गाइस उधर जो है काफ़ी गहरा है तो मैं थोड़ा ये पूरा चेंज कर लेता हूँ उसके बाद जाऊँगा इधर। पूरा मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, इतना पानी है पूरा कमर से ऊपर तक। तो गाइस देखिए फुल्ली सेटअप हो गया। तो यहाँ पे पूरा बैग तो टिटी बल दिला से यार ये कैमरा से। तो देखिए कितना हो रहा है पानी, वाओ। और पानी जो है बहुत ही ठंडा है, ओ माय गॉड, वाओ, ओ माय गॉड। दोनों साइड में पहाड़ और बीच में ये, वाह। बेग तो धरी लैस टिटीबले दिया ना बार। ओ माय गॉड। तो वाओ पूरा मतलब ऊपर तक भीग गया है, सिर्फ कैमरा को बचाया मैंने और बाकी कुछ नहीं बचा है। वो आप लोग भी आ सकते हैं और ऐसा एक एडवेंचरल जो है मज़ा ले सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओ माय गॉड। आगे हम लोग करीब से करीब 1 घंटा चल के आए और भी पूरा मतलब अंदर तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा काफ़ी जो है लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए नाम लिख के रखा है। ये एक छोटा मोटा है जो काफ़ी ऊपर से आ रहा है पानी। देखिए हाँ ये पहला वाटरफॉल एकदम छोटा सा, तो अंदर और भी है पूरा बड़ा बड़ा। भीतर जाबा ना कि यार मेन वाटरफॉल तो किमान दूर आसे किमान दूर हले
है नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर पूरा पिक्चर जो है ना वो अंदर है, अंदर एकदम अंदर पूरा पिक्चर है और ये ट्रेलर है, सिर्फ ये ट्रेलर है। सो गाइस, हम लोग ज़्यादा आगे तक जाने वाला नहीं है तो क्योंकि आगे जो मेन जो वाटरफॉल है सहसा वाटरफॉल, वो बहुत भीतर है, बहुत भीतर, और लगभग और डेढ़ दो घंटा भी लग सकता है सहसा वाटरफॉल जाने में। तो हम लोग और थोड़ा दूर आगे जाते हैं, जाने के बाद हम लोग यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, नेक्स्ट कभी आएंगे सहसा वाटरफॉल देखने के लिए। बहुत ही एक बड़ा वाटरफॉल है तो आज टाइम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो आए थे सुबह ही, लेकिन जो मेरे हम लोगों के साथ जो एक आए हैं भैया, तो उनका मतलब लड़का का थोड़ा तबीयत ख़राब था तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इसलिए थोड़ा टाइम हम लोग कवर नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम कभी फिर से आएंगे इस जगह पे सहसा एकदम डायरेक्टली वाटरफॉल पे, ठीक है। तो अभी थोड़ा आगे जाते हैं तो इधर भी सेम वैसे ही है पूरा, देखिए मतलब जगह बहुत ही अच्छा है, पिकनिक के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा अंदर आना पड़ता है मेन वाटरफॉल के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। तो देखिए की है रो हाँ पहाड़िया बेट है इमान इमान हकर ने ये बेट बेट है वाह इमान हकर है ना। ये हाँ कुछ जीप का यानी कि हाथी का पोटी है, यार हाथी आ है ना हाँ हाँ इफाल हाथी तमान हेरी आसे, तो इधर जंगली हाथी और भी जानवर कुछ निकलता है। तो छोटा छोटा वाटरफॉल होता है ऊपर भी है, एक छोटा वाटरफॉल देखिए एकदम छोटा छोटा है, ये ब्रांच टाइप लाइक ए ब्रांच। तो मेन जो वाटरफॉल है वो यहाँ से और एक दो घंटा हमें चल के जाना पड़ेगा, काफ़ी अंदर है, तो जिसके वजह से हम लोग एकदम मेन वाटरफॉल तक नहीं जा रहे हैं। तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट कभी आने के लिए और तभी हम लोग जाएंगे। हाँ तो ऊपर वहाँ पे जो देख रहे हैं वो मतलब एक ब्रांच टाइप है, छोटा छोटा वाटरफॉल है, बहुत ऊपर से आ रहा है, देखिए कितना ऊपर है, एकदम ऊंचा से आ रहा है, तो एक ब्रांच टाइप है, ठीक है। तो मेन वाटरफॉल हम आज नहीं जा रहे हैं, तो क्योंकि जगह यदि सेफ्टी होता तो हम जाते हैं पूरा मतलब जगह तक, लेकिन इतना जगह भी जगह मतलब इतना सेफ्टी नहीं है और एक अलग स्टेट पे हैं, तो इसीलिए जगह तक नहीं जा रहे हैं, मेन वाटरफॉल तक नहीं जा रहे हैं। काफ़ी देर हो गया, अभी लगभग 3-4 बज गया है, तो हम लोग यदि मेन वाटरफॉल जाएंगे तो 5 बज जाएगा और रिटर्न होते होते रात 8 भी बज सकता है। तो हम लोग मेन वाटरफॉल नहीं जा रहे हैं, ये सहसा जो है सहसा नदी है, तो ये पानी जो है डायरेक्टली वाटरफॉल से ही आ रहा है, मेन वाटरफॉल से आप लोग भी आ सकते हैं, लेकिन एकदम भीतर तक जाना सेफ्टी नहीं है। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, एकदम आगे तक जाना सेफ्टी नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है। और यहाँ का जो लोकल जो भैया लोग मिले थे वो लोग बोला है यहाँ पे आगे भी कुछ अजीबो गरीब मतलब हादसा हो चुका है, तो इसीलिए पूरा जाने मतलब ये नहीं होगा। सो वहाँ पे जाते हैं, वो जो छोटा वाटरफॉल आप लोगों को दिख रहा है वहाँ तक जाने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। देखिए पानी का बहाव, बहुत ही स्लिपिंग है, मैं गिरने वाला था लेकिन जैसे तैसे बचा लिया। मोमेंट्स लेटर हो गया और पानी पानी के अंदर मोबाइल पूरा घुस गया, पूरा मोबाइल पानी के अंदर था,
और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा था। तो यदि पानी के अंदर जाने वाला सीन यदि रिकॉर्ड हुआ है तो आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ है, कसम से मैं बोल रहा हूँ। पानी के अंदर चला गया मैं, इस हाथ में एक हाथ में ऐसे कैमरा लेके मतलब जा रहा था और एक हाथ से ऐसे मोबाइल। तो ऐसा मतलब मैं आप लोगों को बोल के आ रहा हूँ कि स्लिपिंग है, तो पूरा गिर गया और मेरा मोबाइल पूरा पानी के अंदर चला गया। एक हाथ में कैमरा है, कैमरा को तो जैसे भी हो कैमरा को बचाना ही पड़ेगा। तो मोबाइल जो है ट्राइपॉड से खुल के पूरा पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन मैं उठाया, उठाने के बाद पूरा मोबाइल को ये किया, साफ किया और अभी देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो मैं आ रहा था यहाँ पे, ये वाला एक ब्रांच टाइप वाटरफॉल है, छोटा सा देख ही रहे हैं, एकदम छोटा सा वाटरफॉल है। कितना ऊपर से आ रहा है वो वाटरफॉल, पूरा ऊपर से आ रहा है। ये एक ब्रांच टाइप है, छोटा सा वाटरफॉल। तो गाइस फाइनली यही है वो जगह जहाँ पे हम लोग आने चाहते थे, लेकिन मेन वाटरफॉल आगे है, हम लोग नहीं जा रहे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया जिसके वजह से नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि उस जगह पे आ सके। तो है पूरा पड़ी गलो है गम पैसे ना मोबाइल तो पानी घुमाए गल और रिकॉर्डिंग हो आसे फले पूरा उलिया शाम है सीन तो घर गई पे शाम कि खेल तो नपड़िले हेतन ये तो ढिला लग तो ये पूरा खुली तमाना एकदम मोबाइल तो पूरा पानी सुमाय गल रेकर्डिंग आसने एकदम इंटरेस्टिंग मान वाटरप्रूफ है। तो भैया कुछ कहने वाले हैं, आप लोगों से बात करेगा, कुछ सुनिए क्या कहता है। ये बंदा का बहुत ही बहुत ही बहुत ही एफर्ट करने वाला है, वो का बहुत कष्ट हुआ है बहुत सारे समय आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी हमारा एक बंदा ऊपर रह गया है, वो बंदा अभी माइक तो लगाए तुम्हारा भाई, पानी साउंड तो होना बहुत है। व्यूअर्स मेरा नाम है संपक फुकन और ये राजेश भाई मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, लेकिन उस बंदा का बहुत मेहनत हुआ है। इधर में जो सीनरी आप लोगों को दिखा रहा है, बहुत मेहनत करके बंदा आया है गोलाघाट से इधर। और हम लोग तो ये सेकंड जो वाटरफॉल है छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन जो मेन वाटरफॉल है वहाँ से बहुत दूरी है। अगर हम आप लोगों को वो दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम लौटने में तो बहुत समय हो जाएगा, लगभग तो 8 to 10 PM हो जाएगा। सो हम यहाँ तक नहीं जाऊँगा, लेकिन हमारा एक बंदा इधर उस पार है, उसको तो तैर के अभी पार होना पड़ेगा इधर। तो आप लोग देखिए वो तैर के पार होगा। और एक आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, ये भाई का जो चैनल है ना, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और उसको एक जो है एक मोटिवेशन दिलाना चाहिए उसको। तो आप लोगों के लिए यही मेरा दरख्वास्त है, मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। तो ये वो अभी टहरेगा ना, स्विमिंग करेगा, सो दिखाते हैं थोड़ा, रुकिए। हाँ ओ माय गॉड, नाइस। देखिए वाओ। तो गाइस जैसे ही मैंने ये जगह आप लोगों को जितना हो सके दिखाने की कोशिश किया, आगे भी जा सकता था लेकिन थोड़ा रिस्की है, लगभग 8 to 10 बज सकता था आगे मेन जो वाटरफॉल है वहाँ से, वहाँ पे मतलब जाने से मतलब चला जाऊँगा, लेकिन रिटर्न होने टाइम क्या होता, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, 8-10 बज जाता। और ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, इतना ज़्यादा सेफ भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं, यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ये सेसा पानी, ये जो पहाड़ जो आप लोगों को दिख रहा है ये सेसा पानी है, और ये नदी सेसा पानी नदी है, और आगे जो है वो वाटरफॉल वो सेसा पानी वाटरफॉल ही है। जो जितना दिखा सके हम लोगों ने दिखाने की कोशिश किया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।
और यदि अच्छा लगा ज़्यादा तो वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। तो यही कहते हुए करते हैं वीडियो को ख़त्म। सो 1 2 3 जय असम एंड जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।